सो हेलो एंड वेलकम बैक एडिट। क्या हाल है तो यार सभी का, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक न्यू गेम प्ले के अंदर, वो भी यार बीजीएमआई का। तो यार इस वाले गेम प्ले के अंदर बहुत तगड़ी सी फाइट होने वाली है एंड वो होने वाले 28 किल, वो भी यार सोलो वर्सेस स्क्वाड में। एंड इस वाले गेम प्ले में गाइस बहुत तगड़ी तगड़ी फाइट्स निकल के आने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड से देख रहा है क्योंकि इस वाले गेम प्ले के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। अब फिलहाल देखो इस वाले गेम प्ले के अंदर गाइस मैं उतरते हैं अपार्टमेंट में, एंड अपार्टमेंट में तुम्हें पता है यार बहुत तगड़ा होटल होता है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे आते हैं। और भाई उतरते, अपने को एक ही मिल चुका है। फिलहाल देखो सामने कुछ बंदे मेरे को देखते जरूर है, बट मैं पहले यहाँ पे फिनिश करने का सोचता हूँ क्योंकि मुझे पता है यार बंदा रिवाइव हो जाएगा, इस वजह से भाई फिनिश तो मैं नहीं कर पाता हूँ। एंड आसपास में भी गाइस बहुत सारे फुटस्टेप आ रहे थे। अब यहाँ पे देखो मेरे को गन्स वगैरह मिल चुकी थी भाई, मैं दो बंदों को यहाँ पे नॉक भी कर चुका, जिसमें से एक बंदा जस्ट सामने ही मैंने अभी भी जस्ट नॉक किया था। तो भाई अब बारी इन वाले बंदों के ऊपर पुश करने की। एंड यहाँ पे भी मतलब बहुत सारे बंदे होते हैं, बस देखो तुम। अब यहाँ पे देखो तीन बंदे होते हैं, तीनों को मैं इजीली यहाँ पे फिनिश कर लेता हूँ। फिनिश करने के बाद फटाफट से मैं यहाँ पे हील वगैरह करता हूँ। एंड हील वगैरह करने के बाद अब पहले तो मुझे यहाँ पे एक गाड़ी का साउंड आया था, बट भाई गाड़ी तो यहाँ से चली जाती है, तभी एक बोट आ जाता है, बोट को मैं इजीली यहाँ पे फिनिश वगैरह कर लेता हूँ। अब फिनिश करने के बाद अब यहाँ पे देखो वापस से मैं आ जाता हूँ मेन बिल्डिंग की साइड, क्योंकि जस्ट सामने ही मुझे कुछ यहाँ पे पोस्टर वगैरह आ रहे थे एंड जो लोग भी ऑलरेडी यहाँ पे मतलब फाइट वगैरह ले रहे थे। और जैसे मुझे यहाँ पे गन साउंड्स वगैरह आते हैं तो भाई मैं जाता हूँ यहाँ पे मतलब फाइट लेने के लिए। अब सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जस्ट सामने वाले घर की साइड बंदे, बट ये बंदा यहीं पे था। और भाई एक और बंदा आ जाता है इसको रिवाइव देने के लिए, फटाफट में से दोनों बंदों को नॉक करके फटाफट से यहाँ पे फिनिश वगैरह कर लेता हूँ। और फिनिश वगैरह करने के बाद अब मुझे लगा कि और भी बंदे होंगे अपार्टमेंट की साइड, बट यार यहाँ पे मतलब कोई भी बंदा वगैरह नहीं होता। तो फिर मैं जाने वाला था रिकॉल की साइड, क्योंकि यहाँ पे देखो बंदे आते हैं यहाँ पे रिकॉल करने के लिए, तभी सामने। अब सही टाइम पे मुझे ये वाला बंदा स्पॉट हो जाता है, जिसको मैं इजीली यहाँ पे नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ। एंड उसके बाद देखो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इसके भी टीममेट यहाँ पे आसपास से होंगे, तो पहले मैं यहाँ पे कवर में आने के बाद हील वगैरह करता हूँ। बट यहाँ पे देखो इसके कोई टीममेट थे नहीं, तो भाई सीधा मैं आ जाता हूँ यहाँ पे रिकॉल की साइड एंड यहाँ पे सामने। अब यहाँ पे देखो एक स्कोर के बंदे नहीं थे, मतलब ऑलरेडी इनकी फाइट चल रही थी एंड यहाँ पे नॉक बंदे देखो बस तो। अब यहाँ पे देखो सामने भी कुछ स्मोक वगैरह हो रखे हैं भाई, दो बंदों को मैं यहाँ पे मतलब फिनिश कर चुका हूँ, एक बंदे को भाई मैंने नॉक भी किया है। फिलहाल सामने मुझे फुटस्टेप आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो मैं ग्रेनेड ऊपर डाल देता हूँ, बट बंदा एक्चुअली मैं यहाँ पे नीचे की साइड था। एक बंदा देखो सामने वॉल के पास साइड है और उन लोगों की मतलब आपस में फाइट हो रही थी, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी करने के लिए। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि सामने भी बंदे थे, लेफ्ट साइड में ऑलरेडी कुछ बंदे थे, तो मतलब भाई दोनों स्क्वाड के बीच में मैं नहीं फंसना चाहता था। तो फटाफट से यहाँ पे मतलब वापस से अपने वाले मेन बिल्डिंग में आता हूँ एंड तभी देखो मुझे को पता चलता है कि मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही स्क्वाड के बंदे हैं। एंड अब बस तुम लोग देखो, एंड ये वाले बंदे भी मेरे ऊपर यहाँ पर पुश वगैरह कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी आ रही थी एंड कुछ बहुत सारे मतलब फुटस्टेप वगैरह आ रहे थे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था एंड पैनिक भी हो रहा था। तो भाई फिर मैं सोचता हूँ मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा तो कि मैंने सोचा कि भाई चलो यहाँ पे मतलब फाइट लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरी एक पूरी स्क्वाड है एंड इनको मारने के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम चाहिए। एंड बस देखो अब इन स्क्वाड के साथ मैं क्या ही करने वाला हूँ।
और वैसे के साथ ये तीन ही बंदे होते हैं, तीनों को मैं इजीली यहाँ पे निपटा देता हूँ। इसके बाद देखो अभी भी मेरे को लग रहा था कि आसपास शायद कोई ना कोई बंदा होगा, क्योंकि यार चारों साइड अभी तक मतलब गाड़ियाँ वगैरह चल रही थी। एंड जैसे मैं हील वगैरह कंप्लीट करता हूँ, अब यहाँ पे तुम लोगों ने भी साउंड सुना होगा, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बंदे हैं यहाँ पे जो कि कैंप कर रहे थे। वैसे मैं ऊपर में जाके लूटा भी नहीं, फिर भाई पेटी बन जाती मेरी। फिलहाल सामने की साइड ही गन साउंड्स वगैरह आ रहे थे, बट बंदा मेरे को स्पॉट नहीं होता है, मेरे को अभी तक नहीं पता कि भाई वो बंदा था कहाँ। तो भाई वापस मैं जाता हूँ इस वाले घर की साइड, एंड यहाँ पे मैं स्पॉट करने का जैसे ट्राई करता हूँ, देखो बंदा भाई लिटरली लेटा हुआ पड़ा था, एक हेड भी खाता बंदा, बट बच जाता है। फिलहाल ऊपर देखो एक और, इस वाले बंदे को तो मैं यहाँ पे फिनिश वगैरह कर लेता, बट भाई थर्ड पार्टी भी हो रहा था शायद, इस वाले बंदे का कोई किल चुराने का भी ट्राई कर रहा था। अब ये बंदा भी मतलब कैंप लगाए बैठा था, एंड सामने वाले बंदे को मैं ऑलरेडी फिनिश कर चुका था, एंड बाकी वाले बंदों के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं था। तो मैं यहाँ पे गाड़ी देता हूँ, अब गाड़ी देने के बाद अब मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा था, पता नहीं यार इस वाले बंदे को किसने यहाँ पे नॉक दे दिया। फिलहाल इसको मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ, और अब फिनिश करने के बाद सबसे पहले मुझे जाना था उस पेड़ वाले बंदे के पास, जो यार वहाँ पे मतलब कब से कैंप लगाए हुए बैठा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रोटेट लेता हूँ, एंड देखो बस अब यहां से देखो मैं उसी बंदे को ढूंढ रहा था, बट वहां पे कोई बंदा था ही नहीं एक्चुअल में। एंड देखो सामने अब देखो सामने की साइड एक बगी हुई थी, जिसको मैं इजीली यहाँ पे ब्लास्ट करता हूँ भाई, इसको मतलब एक किल में यहाँ पे उठा लेता हूँ। ये बंदा नोक ही हुआ था, उसके बाद देखो मैं यहाँ पे लूटता हूँ थोड़ा, एंड मेरे को अभी भी पता था कि भाई यहाँ पे आसपास और भी बंदे होंगे इसके टीममेट्स वगैरह। तो भाई मैं यहाँ पे गाड़ी लेकर थोड़ा सा जैसे यहाँ पे आगे की साइड आता हूँ, तब तक भाई मतलब जहाँ पे मैं अभी भी जस्ट रिकॉल टावर के पास जहाँ से मैंने फाइट लेके आया ना भाई, वहाँ पे ऑलरेडी और भी बंदे आ चुके हैं वहाँ पे, एंड वो बंदे थोड़े ओपन की साइड में जाते, मैं यहाँ पे स्प्रे देने ही वाला था। एंड देखो तभी तभी मेरे को पीछे की साइड से एक गाड़ी का साउंड आता है, एंड यहां पर भी देखो एक पूरी की पूरी स्क्वाड थी ये वाली भी। भाई लिटरली एक बंदे को तो मैं यहाँ पे पूरा फिनिश करता हूँ, दूसरे वाले बंदे को मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया था, एंड मुझे पता था वो बंदे जाएंगे नहीं मतलब वहीं पे रुकने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ पहले कवर की साइड में, इस वाले स्क्वाड हाउस की साइड, अब वो जगह थोड़ी सी ओपन साइड में थी, तो भाई वहां पे फाइट लेने का कोई मतलब नहीं है। तो भाई मैं आता हूँ कवर में, एंड यहाँ पे आने के बाद अब देखो ग्रेनेड्स वगैरह हो रहे थे, मैं समझ चुका भाई बंदे अभी तक वहीं पे, पर थोड़ी देर जैसे वेट करता था भाई जॉन भी आ चुका था। एंड यहाँ पे देखो सामने अब शायद इनको लगा कि मैं यहाँ पे जा चुका हूँ, भाई ये वाला बंदा ओपन में आता है, इसको मैं इजीली यहाँ पे फिनिश करता हूँ। अभी भी इसके जो टीममेट्स हैं वो भाई वहीं पे लेटे हुए बैठे हैं, तो थोड़ी देर तो मैं यार उन वाले बंदों का वेट करता हूँ कहीं वो बंदे मतलब ओपन में आए, या फिर कुछ ना कुछ मतलब ऐसी हरकतें करे जैसे मैं उसे नॉक कर पाऊँ। बट जब वो लोग नहीं आते तो मैं यहाँ पे स्मोक वगैरह करके भाई अपनी गाड़ी उठाता हूँ, और गाड़ी उठाने के बाद अब यहाँ से मैं जैसे यहाँ पे जाने का ट्राई करता हूँ, गोली वगैरह तो चलते, बट मैं इन लोगों को इग्नोर कर देता हूँ, एंड सीधा आ जाता हूँ यहाँ पे सर्कल की साइड। एंड जैसे यार मैं सर्कल में आता हूँ, देखो गाड़ी का यहाँ पे फ्यूल ही खत्म हो जाता है, मतलब भाई क्या ही मतलब टाइमिंग है। जैसे मैं सर्कल में आया भाई गाड़ी का फ्यूल ही खत्म, फिलहाल हील करता हूँ इसके बाद। अब यहाँ पे देखो सामने साइड मेरे को यहाँ पे एक गाड़ी मतलब दिखी है, बट मेरे वहाँ पे जाके भी मतलब मेरे साथ स्कैम ही होने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे इस वाली गाड़ी के पास आता हूँ, अब इस वाली गाड़ी में भी फ्यूल देखो तुम, और देखो लेफ्ट की साइड मतलब ऑलरेडी यहाँ पे फाइट्स वगैरह चल रही है, एंड भाई बंदा मतलब मेरे को ही गोलियां मार रहा है। बट भाई जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे गाड़ी लेके मतलब भाई पैदल पैदल आते हुए भाई सर्कल में तो आ जाता हूँ, एंड यहाँ पे बस देखो तुम। अब जैसे मैं यहाँ पे सर्कल में आता हूँ, तब तक भाई मतलब बंदे काफी ज्यादा मर चुके थे, अब सिर्फ 10 ही बंदे बचे हुए थे, और सामने अभी भी मतलब गन साउंड्स वगैरह मेरे को आ रहे थे, मतलब क्लोज भी बंदे थे मेरे। एंड यहाँ पे देखो अब जो फाइट होने वाला ना, बस तुम लोग देखो फिलहाल एक बंदा मेरे को यहाँ पे ओपन में स्पॉट था जो कि स्नैपिंग कर रहा था, इसको मैं इजीली यहाँ पे नॉक करता हूँ। एंड जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज इन करता, मुझे यहाँ पे कुछ फुटस्टेप सुनाई देते हैं,
अब ये भी जगह थोड़ी सी ओपन में थी क्योंकि भाई ऊपर हिल की साइड भी कुछ बंदे थे, सामने घर की साइड भी कुछ बंदे थे। मैं यहाँ पे ओपन में मतलब बिल्कुल भी फाइट नहीं ले सकता था, तो मैं यहाँ पे मतलब लेट जाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे बंदा भी भाई ग्रेनेड्स वगैरह किए जा रहा था। और तभी देखो एक गाड़ी आती है एंड शायद उस वाले बंदे को रिवाइव देने के लिए आ रही थी वाली गाड़ी। अब यहाँ पे एक पूरा पूरा स्क्वाड हो चुका था, मैंने सिर्फ एक बंदे को नॉक किया था एंड देखो दूसरा बंदा पुश करता था उसको मैं थोड़ा सा डैमेज तो दे रहा, नंबर वाला बंदा कवर में जा चुका था, मैं वहां पे नहीं जा सकता था क्योंकि ये बंदे थोड़े से बिखरे हुए बैठे थे। तो पहले अब बार थी भाई ग्रेनेड्स करने की, बस तुम ग्रेनेड्स देखो। अब देखो इस वाले ग्रेनेड से भाई दो बंदों को मुझे यहाँ पे केल से मिल जाते हैं क्योंकि भाई ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड पार्टी मैंने पहले भी बोला था कि हो रही है यहाँ पे मतलब बहुत सारे बंदे थे। और भाई तभी इनका एक बंदा देखो गाड़ी लेके यहाँ पे मतलब चला जाता सामने वाले घर की साइड, मुझे अभी भी लग रहा था भाई एक बंदा जो सामने की साइड है। तो मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे ग्रेनेड कुक करता हूँ, बट भाई ग्रेनेड से तो भी ज्यादा कुछ होता नहीं है एंड भाई शायद वो बंदा मतलब जा चुका था, गाड़ी वाला वही बंदा था। और यहाँ पे देखो मेरे पास एमओ वगैरह कुछ ज्यादा था नहीं, तो भाई मैं यहाँ पे कुछ स्मोक्स वगैरह कर लेता हूँ ताकि मेरे को थोड़े से यहाँ पे लूट वगैरह मिले एंड तभी ओपन में। अब यहाँ पे देखो दो बंदे मुझे स्पॉट होते हैं, अब एक बंदे को मैं यहाँ पे फिनिश कर लेता हूँ भाई, दूसरे वाले बंदे को ऑलरेडी यहाँ पे नॉक कर चुका था फटाफट से। मैं यहाँ पे मतलब यही टाइम था भाई मेरे को लूट करने का, और भाई सही टाइम पे मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे लूट वगैरह मिल जाता है, मतलब अच्छी खासी लूट वगैरह एमओ वगैरह मिल जाता है। उसके बाद देखो मैं पुश करने जाने वाला था पर सर्कल तो भाई वहाँ पे था ही नहीं, तो भाई फटाफट से मैं यहाँ पे रोटेट करने लगता हूँ एंड मेरे को ये भी पता था कि जहाँ से मैं जा रहा हूँ वहाँ पर भी मतलब कोई ना कोई तो बंदा होगा वहाँ पे। एंड देखो तभी सामने अब ये बंदे शायद से उन घर वाले बंदों का जॉइंट कैंप कर रहे थे जिसको मैं इजीली यहाँ पे नॉक करता हूँ और भाई फिनिश भी करता हूँ। अब देखो अब बचे थे सिर्फ दो बंदे, 26 किल हो चुके थे अपने। तो भाई फिर से मैं पे राइट से यहाँ पे रोटेट करने लगता हूँ, ये बंदा नॉक हो चुका है इसका टीममेट्स भी आसपास ही होना चाहिए। बट जैसे मैं यहाँ पे सर्कल में आता हूँ तब तो भाई वो वाला बंदा मिलता है नहीं, देखो इतना छोटा सर्कल हो चुका है भाई, अब हम बन चुके थे सांप, मतलब तीन ही बंदे सांप ही बने हुए थे। और तभी देखो एक बंदा मेरे को यहाँ पे स्पॉट होता सामने और इसको मैं इजीली यहाँ पे ले लेता हूँ। अब बचा था लास्ट बंदा, अब मेरे को लगा कि शायद घर वाले बंदों में से ये बंदा होता इसलिए मैं यहाँ पे ओपन में थोड़ा खड़ा हो चुका था, बट मेरे को लगा कि लेफ्ट में कोई बंदा होगा, बट यहाँ पर भी मैं कुछ गलत था इसलिए मैं यहाँ पे स्मोक डाल देता हूँ ताकि बंदे को लगे कि मैं भाई उस साइड हूँ। और जस्ट थोड़ी देर बाद अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ देखो सामने मेरे को थोड़ा सा बंदा यहाँ पे स्पॉट हुआ था सामने के साइड, मैं समझ चुका था भाई सामने बंदा एंड शायद बंदे ने भी मेरे को यहाँ पे स्पॉट कर लिया था। तो पहले मैं यहाँ पे कुछ ग्रेनेड्स करने का ट्राई करता हूँ, अब इस वाले ग्रेनेड से तो कुछ हुआ नहीं एंड वो वाला बंदा भी मतलब ग्रेनेड्स ही कर रहा था बस देखो। तो और भाई फाइनली ये वाला बंदा भी स्पॉट हो जाता। तो गाइस तुम्हें ये वाला क्लचेस और गेम प्ले पसंद आते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी और पे सेट कर देना। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।